गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? और क्या आप लोग अपना होमवर्क ठीक ढंग से कर रहे हैं? उम्मीद करता हूँ अपना होमवर्क आप बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम सेकंड क्लास के जो बच्चे हैं उनके लिए ऐसे वर्ड्स को लेकर आए हैं जो वो अपनी क्लास के अंदर आम तौर पर यूज़ करते हैं। तो आम तौर पर जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं उनको कहते हैं फ्रीक्वेंटली यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स। क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंटली यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स। जैसे इसमें लिखा हुआ ना, फ्रीक्वेंटली यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स, ज़्यादातर यूज किए जाने वाले इंग्लिश वर्ड्स। चलिए देखते हैं वो वर्ड्स कौन से हैं जो आप अपनी क्लास में बहुत बार यूज़ करते हो, और उनको हम कैसे इंग्लिश में बोलते हैं, कैसे उनको प्रोनाउंस करते हैं, चलिए देखते हैं। पहला वर्ड्स है, जो पहला वर्ड है मदर, MOTHER, मदर। मदर, इसको हम कैसे बोलते हैं? मदर। इसमें जो आर है उसको थोड़ा सा स्लाइटली हल्का सा दबा दिया जाता है, यानी उसको साइलेंट रखा जाता है। उसके बाद MAN, मैन। BOY, बॉय या बॉय। ZIRL, गर्ल। JUMP, जम्प। LOOK, लुक। SEE, सी। PICTURE, पिक्चर। YOUR, योर। MY, माई। HIS, हिज। अगले वर्ड की ओर बढ़ते हैं, THE, इसको हम द भी बोलते हैं और दी भी बोलते हैं। अगर ये वोवल से पहले आता है, वोवल साउंड से पहले, तो हम इसको बोलेंगे दी, और कॉन्सोनेंट साउंड से पहले आएगा तो द। THAT, दैट। THIS, दिस। TEESE, दीज। ME, मी। YOU, यू। HER, हर। SHE, शी। HE, ही। TEY, दे। चलिए कुछ और वर्ड्स देख लेते हैं। FATHER, फादर। इसको हम थोड़ा सा साइलेंट रखेंगे आर को, फादर। BROTHER, ब्रदर। SISTER, सिस्टर। ZO, गो। SIT, सिट। COME, काम। SILENT, साइलेंट। NOISE, नॉइज। DO, डू। DOES, डज। DID, डिड। तो इस तरह से आपने इन वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है, बोलना है, और अपनी कॉपी में लिख करके कम से कम एटलीस्ट 5 टाइम्स आपने इनको प्रोनाउंस करना है। ये आपका होमवर्क रहेगा आज के लिए, और कुछ और वर्ड्स हम आपको अगले वीडियो में करवाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।